उमरिया के युवाओं और युवतियों को पुलिस और सेना में भर्ती कराने के लिए पुलिस विभाग ने ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और युवती शामिल हो रहे हैं, जिन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। पुलिस और सेना की वर्दी पहनकर देश और समाज की सेवा करने का जज्बा हर युवा में होता है। सभी मौके ढूंढते हैं, लेकिन उचित गाइडलाइन न मिलने से युवा पिछड़ जाते हैं। ऐसे में युवाओं का सपना पूरा करने के लिए उमरिया जिले की पुलिस ने फैसला लिया है और अनूठी पहल के तहत 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए उमरिया के युवाओं को बुलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने अपना शारीरिक परीक्षण कराया। माननीय मंत्री महोदया और जो जिला के कलेक्टर हैं, सीओ जिला पंचायत हैं, इन लोगों ने एक बैठ के इस बारे में इनका आइडिया था कि इस तरह से किया जा सकता है और ये ट्राइबल एरिया है, तो अगर हम 10 15 20 या 50 60 ट्राइबल बच्चों का भी सिलेक्शन करा पाए तो बहुत हमारे लिए वो उपलब्धि होगी। स्थानीय प्रशासन की इस पहल के 2 चरण हैं, जिसमें स्क्रीनिंग कर पात्र युवाओं की छटनी करनी है, जिससे योग्य युवाओं को 3 महीने का शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा सके। इंडोर और आउटडोर, इंडोर में जो रिटन एग्जाम है, उस रिटन एग्जाम के लिए हम जो हमारे पुराने कांस्टेबल्स हैं या सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको उनके विषय की नॉलेज के हिसाब से उनको पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करेंगे और वो लोग अपना इस तरह से श्रमदान देंगे। और जो आउटडोर की ट्रेनिंग में ज़रूरत होती है पुलिस भर्ती में, जैसे 800 मीटर में कुछ कम समय में करना होता है, लंबी कूद हो गया और गोला फेंक हो गया, उसमें बहुत सारे बच्चों को या तो पता नहीं होता या बहुत प्रैक्टिस कम होने की वजह से कभी कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते, और खासकर ट्राइबल एरिया में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। पुलिस की इस मुहिम की जानकारी लगते ही थानों में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस प्रयास की सराहना करते हुए भी दिखाई दिए। निश्चित है युवाओं को इस प्रशिक्षण से उनकी भर्ती हो जाने में काफी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि प्रशासन की इस पहल में अनुमान से बहुत ज्यादा युवाओं की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जिसके बाद इस पहल की सफलता तय मानी जा रही है। अब इंतजार असल चयन प्रक्रिया का है, जिसमें देखना होगा कि सफलता का आंकड़ा क्या रहता है और कितनी सफलता युवाओं को मिलती है। उमरिया से कौशल विश्वकर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।